वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जिके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जिक में फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था शादी में थोड़ा व्यस्त था फ्रेंड्स लेकिन अब मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स जो नई बहाली बिहार पुलिस की आने वाली है बारह से पंद्रह हज़ार सीटों पे बहाली आने वाली है फ्रेंड्स अगले महीने में तो उसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर दूंगा सिलेबस के अनुसार और साथ में फ्रेंड्स आपका जो बिहार सचिवालय का जो है फ्रेंड्स थर्ड जो आया हुआ है फ्रेंड्स सीजीएल का आप लोग नाम सुने हुए फ्रेंड्स सीजीएल जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो सचिवालय सहायक का वैकेंसी आया हुआ है उसका भी प्रैक्टिस सेट आज से शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए आज पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे ठीक है फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो भी स्टूडेंट मास्टर माइंड ऑफ जीके एप्लीकेशन नहीं अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए हैं फ्रेंड्स वो जरूर कर लें क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डेमो बता देता हूँ फ्रेंड्स कि क्या क्या इसमें है और आपके सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबान साबित होगा इसलिए सभी स्टूडेंट इसको ज़रूर इंस्टॉल करके रखें और बस पे कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं फील्ड में बैठे हैं कहीं भी भी आपका जो भी जिके जी पढ़ना है फ्रेंड्स सब बिल्कुल आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हुआ है बहुत अच्छे तरह तरह से दिया हुआ है इसलिए आप लोग इसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट है पैसा नहीं लगेगा इसमें तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से इंस्टॉल करिएगा आप जाइएगा प्ले स्टोर में जब लिखिएगा ये देखिए मास्टर माइंड ऑफ जिके तो आपका इस तरह से देखिए कुछ आएगा लोगो इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल का आएगा फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद में गूगल से आप लोग लॉग इन कर लीजिएगा ठीक है कोई भी ई मेल से गूगल से लॉग इन कर लीजिएगा तो ये अप्लीकेशन आपका आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स इसमें बहुत कुछ पढ़ने का है आप इसका देख सकते हैं डेमो बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जिक्के स्पेशल जिक्के इसमें पढ़ना है ठीक है स्पेशल जिक्के है जो इसका रीड है फ्रेंड्स कह सकते हैं बैकबोन है इसमें आपका जितने भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स उससे एक प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में आता है सभी जो हॉट हाँ टॉपिक है सभी को कवर किए हैं ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जब जब एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से आपका खुलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ देखिए यहाँ पर स्पेशल जिक्के स्पेशल जिक्के पर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स तो इसमें जितने भी स्पेशल जिक्के हैं देखिए इसका बता देता हूँ फ्रेंड्स स्पेशल जिक्के पर आप जब क्लिक करिएगा तो देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा आपका देखिए स्पेशल जिक्के पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स संविधान से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संविधान संशोधन से जितने भी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न पर बनता था फ्रेंड्स जो एग्जाम में पूछा हुआ है और जो पूछेगा उसका एक जगह संग्रह मिल जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित संग्रह एक जगह मिल जाएगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मिल जाएगा भारत की प्रमुख जनजाति जो एग्जाम में पूछा जाता है तो सभी हॉट टॉपिक को कवर किए हैं सम, है समिति से संबंधित जैसे आपका गोरपोरिया समिति किससे संबंधित है ठक्कर आयोग किससे संबंधित है सब प्रश्न जो पूछा जाता है तो सभी का कलेक्शन एक जगह किया हुआ है विश्व के नदी बांध से संबंधित जो भी, भी, भी आई प्रश्न है सभी एक जगह है फ्रेंड्स अनुच्छेद से संबंधित है अनुच्छेद से संबंधित दो पार्ट में किए हैं फ्रेंड्स और उसी तरह से देखिए महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था जितने भी युद्ध है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट जिसे प्रश्न बनता है काली का युद्ध कब हुआ था चौसा चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी ठीक है फ्रेंड्स तो सभी को कवर किए हैं खरीफ फसल से संबंधित देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कहने का मतलब जितने भी हॉट टॉपिक है फ्रेंड्स सभी को मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ जैसे अट्ठारह के विद्रोह से जितने भी प्रश्न एक जगह मिल जाएंगे वायसराया गवर्नर जनरल से तो सभी को मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस तरह से स्पेशल जीके में जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स समझ लें तो सभी स्टूडेंट याद करके फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें इस पर अभी काम चालू है फ्रेंड्स समय वक्त की कमी है इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है लेकिन सभी इस पर काम चालू है आप स्पेशल जिके में पढ़िएगा फ्रेंड्स तो स्पेशल जिके में वो सब मिल जाएगा साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सब यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है फ्रेंड्स उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं सभी पे भरा हुआ है फिर आपका पोलिटिकल साइंस है इकोनॉमिक्स है एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स आपका मिनी बुक हो गया फ्रेंड्स ठीक है यानी कि आप से हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं कंप्यूटर संबंधित जिके पढ़ सकते हैं फिर आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस से पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स अर्थ साथ से भी पढ़ सकते हैं सभी प्रकार का प्रश्न फिर आपका बिहार स्पेशल जी के यहाँ से पढ़ सकते हैं फिर ठीक है उसके बाद में कंप्यूटर जी के भी पढ़ सकते हैं फिर आपका स्पोर्ट जी हो गया फिर देखिए पर्यावरण से संबंधित जी हो गया विविध से आपका मिशलेश से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे सभी डाला हुआ हिंदी का प्रैक्टिस सेट सभी डाला हुआ है यहाँ पर कर सकता है फ्रेंड्स हिंदी से हिंदी का जब खोलिएगा फ्रेंड्स तो इसमें आपका मुहावरा हो जाएगा उल्टा सब टोटल यानी कि जो आपका बिहार पुलिस का जितने भी हिंदी पूछे जाता है और जो भी में बिहार दुरगा में पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद में आपका देखिए यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स का भी मिल जाएगा फिर बिहार पुलिस में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी का अंग्रेजी का सभी कहाँ पर मिल जाएगा फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं ठीक है तो इस तरह से मैं आप लोग को बताना चाह रहा था फ्रेंड्स कि ये एप्लीकेशन हर हाल में सभी लोगों इंस्टॉल ज़रूर कर लें जो बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ब्राह्मण साबित ये एप्लीकेशन होगा ठीक फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में हम लोग सचिवालय सहायक के लिए जो फ्रेंड्स आपका सी जी एल के आया हो उसका पहला प्रैक्टिस सीट लेकर आया हूँ इसमें देखिए जो आपका सी जी एल है फ्रेंड्स ठीक है सी जी एल है इसका मैं पचहत्तर मार्क्स का जो जिक्के जी सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न है उसी को कवर कराऊंगा तो क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सी जी एल में है टोटल कितने डेढ़ सौ प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स तो डेढ़ सौ प्रश्न में आपका पचहत्तर प्रश्न है जो आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से रहता है तो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान की पढ़ाई बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से मैं इस पर करवाऊँगा तो सभी स्टूडेंट जरूर जुड़े रहेगा तो चलिए फ्रेंड्स आपका देखिए जो रुक्मणि प्रकाशन का नया आया है फ्रेंड्स बुक मार्केट में आया है जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसका ये प्रैक्टिस सेट वन है फ्रेंड्स सभी मैं लोगों में वन टू करके देते देता जाऊंगा तो आप लोग वहाँ से प्रत्येक दिन पढ़ाई करते चले अभी से रिवीजन करते चले फ्रेंड्स सचिवालय सहायक का बहुत ही अच्छा जॉब है फ्रेंड्स अभी से थोड़ा सा ध्यान देकर तैयारी करिएगा तो हंड्रेड आपका इसमें जॉब हो सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया फ्रेंड्स थोड़ा सा वक्त मैं ले लिया फ्रेंड्स अपलीकेशन के बारे में तो देखिए अपलीकेशन डाउनलोड करना सभी को बहुत जरूरी है फ्रेंड्स एक बार डाउनलोड करके पढ़ाई करके देखिए आपको खुद एहसास हो जाएगा फ्रेंड्स कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए अपलीकेशन तो चलिए फ्रेंड्स अप्रे देखिए जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देखेंगे क्योंकि जिकके जी एस कॉमन होता है फ्रेस सभी वीडियो से जिके जीएस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंस कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर में जाकर के मास्टर माइंड आप जिक्के लिखेगा फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग में बताया था तो आपका आ जाएगा चलिए तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है देखिए गेस करते चलेगा पहला सवाल है बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था पहला का जो करेक्ट आंसर क्या होगा प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन तो देखिए 20 जुलाई उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी को किया गया था इसलिए पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए सवाल नंबर दो को देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था दो का करेक्ट आंसर क्या होगा तो दो का जो करेक्ट आंसर होगा उन्नीस सौ बावन ईस्वी में ठीक है फ्रेंड्स देखिए दो नंबर सवाल का स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में जो हुआ था उन्नीस ईस्वी में हुआ था ठीक है फ्रेंड्स भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव आम चुनाव कब हुआ था तो उन्नीस में हुआ था ठीक है याद रखिए उन्नीस में प्रथम बार हुआ था ठीक है बिहार में पूछेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बावन में हो जाएगा ठीक है अगला सवाल को देखिए बिहार में कुल कितने जिले हैं तो वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं सभी को पता होगा टोटल अड़तीस जिले हैं चौथा नंबर सवाल बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था चार नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा तो उसका नाम क्या था आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स तो देखिए बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री यानी अंग्रेज कौन था उसका नाम था रॉल था इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स रॉल प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया था देखिए रॉल कब आया था फ्रेंड्स किसके शासनकाल में आया था तो रॉल जो अकबर के शासनकाल में आया था सभी लोग याद रखिए ठीक है किसके अकबर के शासनकाल में रॉलफिज भारत आया था बिहार आया था ठीक है उस समय किसका शासन चल रहा था तो अकबर का चल रहा था ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया था फ्रेंड्स कब आया था तो 1615 सौ ईस्वी में सर टॉमस रो ठीक है एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है याद रखिएगा सर टॉमस रो है जो 1615 सौ ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था ठीक है उसी तरह से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था फ्रेंड्स तो उसमें कैप्टन हॉकिंस था ये भी आप लोग याद रखेगा चलिए नंबर सवाल को देखिए है क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है महापाशान मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा छठा नंबर सवाल को देखिए कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौसाम्बी और टोपारा से दिल्ली हस्तांतरित किया था छः नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है छः का तो इसका हो जाएगा फिर कौन सा शासक था वो फिरोज साह तुगलक था दिल्ली का कौन सा सुल्तान तो फिरोज सा तुगलक अशोक स्तंभ को कौसाम्बी से टोपारा कौसाम्बी और टोपारा से कहाँ हस्तांतरित किया था तो दिल्ली हस्तांतरित किया था कौन तो था वो फिरोज सा तुगलक था सातवां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स की निम्नलिखित घटनाओं को काला काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए सात नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है फ्रेंड सबसे पहले होगा चंपारण आंदोलन याद रखिए चंपारण आंदोलन कब हुआ था तो उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी में हुआ था ठीक है उसके बाद में होगा ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स ए हो जाएगा क्या आपका अमृतसर की घटना तो अमृतसर की घटना भी कब हुआ था तो उन्नीस सौ उन्नीस में हुआ था तो पहले सबसे हो गया उन्नीस सौ सत्रह हो गया फ्रेंड्स उसके बाद में आपका उन्नीस सौ उन्नीस सौ उन्नीस हो गया उसके बाद में आ गया डी वाला था डी मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह कब हुआ था तो ए उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह कब हुआ था उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी बस लास्ट बज गया चौरी चौरा घटना तो यह हुआ था आपका उन्नीस सौ बाईस में हुआ था ठीक है फ्रेंड्स तो सभी को याद रखिएगा एक बार पुनः मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स सात नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सबसे पहले होगा सी हो जाएगा तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था तो चंपारण उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी में याद उस फ्रेंड्स उसके बाद में ए अमृतसर की घटना कब हुआ था तो अमृतसर की घटना उन्नीस सौ उन्नीस उनेश में हुआ था जालियावाला हत्याकांड फ्रेंड्स उसके बाद में हो गया आपका मोपला विद्रोह कब हुआ था तो मोपला विद्रोह हुआ था जो आपका उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में हुआ था ठीक है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स डिस्क्राइब करके पढ़ते चले तो देखिए मोपला विद्रोह हुआ था जो उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में कहां हुआ था तो केरल में हुआ था ठीक है फ्रेंड्स केरल में उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में मुस्लिम किसानों का जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध में मोपला विद्रोह हुआ था ठीक है तो याद रखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स चौरी चौराह वाला घटना हो गया था जो आपका कब हुआ था उन्नीस सौ बाईस ईस्वी में हुआ था तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया आठ नंबर सवाल देखिए जैन धर्म स्वेतांबर एवं दिगाम्बर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है फ्रेंड्स वास्तविक संस्थापक अगर जो पूछा जाए तो चौबीसवें तीर्थंकर थे जो महावीर सुमार स्वामी थे उनको माना जाता है तो दोनों याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और वास्तविक संस्थापक कौन थे तो चौबीसवें तीर्थंकर महावीर थे तो जैन धर्म स्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था फिर तो आठ का करेक्ट सर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आपका विभाजित हो गया था जैन धर्म देखिए जैन धर्म के जो बत, बना था फिर श्वेतांबर और दिगंबर बना था ना तो देखिए श्वेतांबर आपका थो अस, स्थूलभद्र के नेतृत्व तो में स्वेतांबर बना था जो श्वेतांबर बना था वो उसके कौन थे अध्यक्ष कह सकते हैं तो अस्थूल भद्र बने थे फ्रेंड्स जबकि भद्र बाहू थे जो किसके समर्थन वो दिगंबर के थे देखिए इस तरह से याद रखेगा जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ तो श्वेतांबर तो श्वेतांबर किसके नेतृत्व इसका नेतृत्व किसने किया था तो किस अस्थूल भद्र ने किया था और भद्रबाहू जो किया था किसका दिगंबर के किया था तो ये आप लोग याद रखिएगा प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रथम प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स तो आपका पाटलिपुत्र में अद्वितीय हुआ था गुजरात के बल्लभी में ये भी आप लोग याद रखिएगा नौ नंबर सवाल को देखिए नौ नंबर सवाल है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था नौ का कैरेक्टर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुसानों का था ठीक है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुसानों का अधिकार था दसवा नंबर सवाल को देखिए दस नंबर सवाल आपका है बिहार बजट दो में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है तो दस का जो करेक्ट आंसर होगा ये राजगीर में किया गया है ठीक है ग्यारह नंबर सवाल को देखिए ग्यारह नंबर सवाल आपका है कि मुं, मुंब नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज के बाबरी किस भाषा में लिखा है तो देखिए देखिये तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा तुर्की भाषा में लिखा हुआ है बारह नंबर निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में ग्यारह सिरों के बोधि सत्व का अंकन मिलता है बारह नंबर सवाल बारह नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कानहेरी ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कन्हहेरी की गुफा तेरह नंबर सवाल को देखिए सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुस्तैनी सरदेशमुख थे सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है इस शिवाजी के द्वारा एक कर था फ्रेंड्स वसूला जाता था तो सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था ए इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा एक बटा दस भाग वसूला जाता था ठीक है चौदह नंबर सवाल को देखिए कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था ठीक है फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा अभी मैंने बताया था कि जितने भी युद्ध से संबंधित है हॉट हॉट टॉपिक है एप्लीकेशन में डाल दिया आप फ्रेंड्स तो सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा चौदह नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालाजी बाजीराव मराठो एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था तो बालाजी बाजीराव बाजी ऑप्शन नंबर बी चौदह का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंद्रह नंबर सवाल को देखिए कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है पंद्रह का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश पर हो जाएगा ठीक है नागार्जुन भी परियोजना है जो आपका कृष्णा नदी पर है ये भी आप लोग याद रखिएगा देखिए कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र के महाले महाबलेश्वर से निकलती है याद रखिए पूछा जाता है इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा सोलह नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस झील को बिहार का पहला व देश का उनचालीसवां रामसर साइट रामसर साइट घोषित किया गया है तो सोलह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कावर झील बेगूसराय कावर झील बेगूसराय को बिहार का पहला व देश का उनचालीसवां कितना उनचालीसवाँ रामसर साइट घोषित किया गया है ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्तमान में देश भर में देखा जाए तो कितने रामसर साइट है फ्रेंड्स तो टोटल 49 49 रामसर साइट है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पड़ता है तो यूपी में पड़ता है टोटल 10 है वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा अगला सवाल को देखते हैं 17 नंबर सवाल देखिए 17 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है बहुत अच्छा सवाल है 17 नंबर सवाल का तो देखिए इसका गेस करें फ्रेंड्स तो तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य में है जो वहाँ की भूमि जो सिंचित होती है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा कहाँ किससे होती है तो तालाबों से होती है तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाब से बैठ भी जाता है फ्रेंस त से तमिलनाडु और तो से तालाब तो से इस तरह से याद रखिएगा सत्रह का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अट्ठारह नंबर सवाल आपका कह रहा है सुमिलित करने के लिए सूची एक से सूची दो को सुमिलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए हुंगुल फिर है फ्रेंस बाघ टाइगर भारतीय सिंह और रहनो सेरेस तो देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पड़ता है ये सब आपको बताना है तो सवाल नंबर अठारह अठारह का होंगुल कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स तो होंगुल पड़ता है आपका दांची गांव में मिलता है बाघ टाइगर देखा जाए तो कौन सा बहारण में मिलता है देखने को तो अठारह बाघ टाइगर मिलता है फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका सुंदरवन में ठीक है इसका क्या जाएगा? हो जाएगा आपका सुंदरवन हो जाएगा यानी एक का दो बी का तीन हो जाएगा ठीक है उसकी तरह से फिर भारतीय सी भारतीय सी गिर वन में देखा जाता है गुजरात के गिर वन में इसका हो जाएगा चार हो जाएगा बच गया डी तो डी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एक हो जाएगा ये आपका रहनी सोरेन्स कहाँ देखा जाए तो असम के काजीरंगा अभ्यारण में देखा जाता है यानी इसका अठारह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ठीक है बी यानी एक का दो बी का तीन सी का चार और डी का एक हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है एक बार पुनः देख ले इसका ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सॉरी पहला का दो हो जाएगा दूसरा का तीन हो जाएगा और तीसरा का ए हो जाएगा और एक डी का ए हो जाएगा अगला सवाल को देखते हैं संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है संतोपथ ग्लेशियर कौन सा राज्य में अवस्थित है तो उन्नीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तराखंड में अवस्थित है चलिए बीस नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है तो बीस का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है सॉरी बीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्यकाल निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है तो शून्यकाल है जो आपका भारत की देन है शून्यकाल संसदीय कार्य विधि जो भारत की देन है याद रखिएगा फ्रेंड्स ठीक है ये शून्यकाल भारतीय संसद प्रणाली में कब प्रारंभ किया गया था ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए उन्नीस सौ बासठ ईस्वी में शून्यकाल भारतीय शासन प्रणाली में संसदीय प्रणाली में शुरू किया गया था इक्कीस नंबर सवाल देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है इक्कीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए e. सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए e हो जाएगा ठीक है प्रस्तावना देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मॉडल कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है याद रखिएगा और प्रस्तावना की भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है अगला सवाल देखिए वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या है तो बाईस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है तेईस नंबर सवाल को देखिए तेईस नंबर सवाल आपका है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा तो किसको करेगा फ्रेंस मंत्रिपरिषद से तो राष्ट्रपति को ना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौबीस नंबर सवाल देखिए भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया चौबीस का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उन्नीस के अधिनियम देखिए उन्नीस का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के निर्माण में देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान है जो किस अधिनियम का रहा है तो ये एक्ट का रहा है उन्नीस सौ पैंतीस के भारत सरकार अधिनियम का तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था याद रखेगा पच्चीस नंबर सवाल को देखें लोकसभा का पाँच वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है फ्रेंड्स पच्चीस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो देखिए राष्ट्रपति भंग करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर याद रखिएगा पाँच वर्ष जब कार्यालय पूरा ना हो उसके पहले अगर भंग करना रहता है फ्रेंड्स तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सलाह पर राष्ट्रपति से भंग करता है छब्बीस नंबर सवाल को देखिए कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है छब्बीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अधिकृत पूंजी पर ठीक है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है छब्बीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था सत्ताईस नंबर सवाल को देखें सत्ताईस नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से सभी को पता भी होगा ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद चालीस करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मार्क है एक मार्क क्या है अट्ठाईस का फ्रेंड्स तो देखिए एक मार्क हो जाता है जो गुणवत्ता गारंटी की मोहर को कहा जाता है ना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनतीस नंबर सवाल को देखिए जारवा जनजाति पाई जाती है देखिए जारवा जनजाति कहा पाई जाती है तो जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत का केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश वहां देखने को मिलता है तो उनतीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा निकोबार द्वीप ठीक है फ्रेंड्स जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है ठीक है तीस नंबर सवाल को देखिए तीस नंबर सवाल आपका है कि किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरला राज्य में किया गया ठीक फ्रेंड्स केरला राज्य में ही मोपला विद्रोह उन्नीस सौ इक्कीस में हुआ था याद रखेगा सभी अभी हम लोग ने देखा था इकतीस नंबर सवाल को देखे राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है देखिए फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति से संबंधित सभी ये सब क्वेश्चन वहां मिल जाएगा आपको जो भी प्रैक्टिस सेट में जितना भी राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आएगा आप सभी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति में लगभग फ्रेंड्स अस्सी नब्बे प्रश्न है जो इससे संबंधित मैं उसमें आपको अप्लीकेशन में डाला हूँ चुन चुन के फ्रेंड्स चुनिंदा प्रश्न को डाल दिया हूँ एक क्वेश्चन आपको देखिए वहाँ पर मिल जाएगा तो देखिए इकतीस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है ठीक है फ्रेंड्स अगला सवाल है बत्तीस नंबर सवाल को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है बत्तीस का तो बत्तीस का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन न आधारभूत और उपभोक्ता तैतीस नंबर सवाल को देखिए तैतीस नंबर सवाल आपका है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है तैतीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रसीद केदवई के द्वारा ही लिखा हुआ अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसने लिखा है तो रसीद केदवई लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा चौंतीस नंबर सवाल को देखे जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते उन्हें कहा जाता है चौंतीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन है उसे मांग निक्षेप कहा जाता है जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं उन्हें क्या मांग निक्षेप कहा जाता है पैंतीस नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है पैंतीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी और कटौती प्रस्ताव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीस नंबर दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो छत्तीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा व्यापार शेष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंतीस नंबर क्या कह रहा था दृश्य निर्यात और दृश्य आयात समझ रहे हैं फ्रेंड्स निर्यात मतलब सामान बाहर भेजना आयात मतलब मंगाना तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के दोनों को अंतर को जो क्या कहा जाता है तो उसे आपका व्यापार शेष कहा जाता है अगला सवाल को देखिए मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है परिणाम होता है तो जब मुद्रा अवूल्यन होता है फ्रेंड्स तो इसका परिणाम क्या होता है तो देखिए इसका परिणाम होता है कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है साहित का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अड़तीस नंबर सवाल को देखिए भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ठीक है यानी कि कृषि परिस्थिति के क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भारत में देखा जाए तो कृषि परि परिस्थिति क्षेत्रों की कुल संख्या है जो फ्रेंड्स आपका बीस है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी भारत में एग्रो एग्रोलॉजिकल जोन्स कितने हैं तो ट्वेंटी है उनचालीस नंबर सवाल को देखे और देखिए फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टेलीग्राम चैनल में इसका मैं डाल दूंगा और जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक भी नीचे इसको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर इसका पी मैं डाल दूंगा वहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा तो उनचालीस का करेक्ट आंसर क्या उनचालीस का क्या होगा फ्रेंड्स कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है देखिए क्वेश्चन पहले भी बहुत पढ़ा चुका हूँ ठीक है फ्रेंड्स उनचालीस का तो देखिए पाँच किलोमीटर है ठीक है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से अगर औसतन ऊंचाई देखी जाए तो टोटल कितना पाँच किलोमीटर है याद रखें कितना पाँच किलोमीटर चालीस नंबर सवाल भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है चालीस का तो इसका कर, करेक्ट आंसर होगा फ्रेंस अजंता अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है फ्रेंड्स ठीक है याद रखिए अजंता पर्वत श्रेणी है जो यहाँ है तो महाराष्ट्र में अवस्थित है तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा इकतालीस नंबर है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं इकतालीस का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया ठीक है फ्रेंड्स किससे संबंधित है तो जैवलिन थ्रो से आप, आपको संबंधित है तो इनको सर्वप्रथम ये बने फ्रेंड्स पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वाले पा, पहले पैरा एथलेटिक कौन बने तो देवेंद्र झाझड़िया जो किससे संबंधित है तो जैवलिन थ्रो से संबंधित है बयालीस नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावी प्रवाहित होती है तो बयालीस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दक्षिण पश्चिम मानसून ठीक है फ्रेंड्स अब भारत में जो अधिकतर वर्षा हो भी होती है फ्रेंड्स ये दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही होती है ये भी आप लोग याद रखिएगा तैतालीस नंबर सवाल को देखिए कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है कपास जिसके लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है तो ये अब महाराष्ट्र में अधिक होता है ना फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है तैतालीस का बिग करेक्ट आंसर होगा चौवालीस नंबर सवाल अलमाटी बांध किस नदी पर है देखिए अलमाटी माटी तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कृष्णा नदी पर हो जाएगा अलमाटी बांध कहाँ है तो अलमाटी बांध परियोजना है जो उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है याद रखिएगा ठीक है यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी अलमा यह परियोजना अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है वो कब बना था फ्रेंड्स तो दो में ये बनकर तैयार हुआ था अलमाटी बांध किस पे है फ्रेंड्स याद रखिए कृष्णा नदी पर 45 नंबर देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो 45 का जो करेक्ट आंसर है सभी का जवाब आना चाहिए तो ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है छियालीस नंबर सवाल को देखिए निम्नलिखित का सही काला नुक्रम क्या है तो देख लेते हैं आप फ्रेंड्स शिमला समझौता है फरक्का समझौता है भारत सोवियत संधि है तास्कंद समझौता है छियालीस का तो छियालीस का देखिए सही इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सबसे पहले हो जाएगा इसका चार हो जाएगा ठीक है सबसे पहले कौन हो जाएगा तो इसका चार हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन न उसके बाद में चार आने की तास्कंद समझौता उसके बाद में भारत सोवियत संधि हो जाएगा दो होगा फ्रेंड्स उसके बाद में एक हो जाएगा शिमला समझौता उसके लास्ट में हो जाएगा आपका फरक्का समझौता और कौन कब कैसे हुआ था फ्रेंड्स इसका भी आप लोग देख ले तो ताशकंद समझौता है सबसे पहला ना सबसे पहले जो आपका कौन सा है तो आपका ताशकंद समझौता तो देखिए फ्रेंड्स ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा समय दीजिएगा ताशकंद समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी याद करते चलेगा कितना 10 जनवरी 1966 में हुआ था ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था ठीक है याद रखिएगा फ्रेंड्स अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है दूसरा आ रहा है आपका फ्रेंड्स भारत सोवियत संधि तो भारत सोवियत संधि है जो आपका नौ अगस्त, 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 अगस्त कितना नौ अगस्त उन्नीस ईस्वी में हुआ था ठीक है मित्र ये आपका सोवियत संधि भारत और सोवियत संधि कब हुआ था उन्नीस में शिमला समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स तो शिमला समझौता हुआ था दो जुलाई उन्नीस याद रखेगा दो जुलाई उन्नीस ईस्वी में आपका शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद में बच गया फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था और ये कब हुआ था फ्रेंड्स तो उन्नीस सौ पचहत्तर में हुआ था और अंतिम रूप से इसका कब हुआ था तो उन्नीस सौ छियानवे में हुआ था तो याद रखिएगा ये फरक्का बैरेज भी है फ्रेंड्स जो आपका मालदा टाउन के पास पड़ता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स छियालीस का तो सभी याद रखिए फ्रेंड्स ताशकंद समझौता उन्नीस सौ छियासठ ईस्वी में हुआ था याद रखिएगा उसके बाद में हो जाएगा आपका भारत सोवियत संधि उन्नीस सौ इकहत्तर में हुआ था शिमला समझौता उन्नीस सौ बहत्तर में हुआ था फरक्का समझौता हुआ था कितना उन्नीस सौ पचहत्तर में और अंतिम रूप से कम समझौता हुआ था तो ये आपका उन्नीस सौ छियानवे में हुआ था अगला सवाल को देखिए भारत के बाहर विश्व के पहले योग्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है सैतालीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉन्स एंजल्स में किया गया ठीक है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का स्थापना लॉन्स एंजल्स में स्थापित किया गया है अड़तालीस विश्व खाद्य पुरस्कार दो से भा... से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए e, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को किया गया है उनचास नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कलेक्शन देने की घोषणा की है तेज तक टोटल जितने भी घर है सभी में नल कलेक्शन दे दिया जाएगा ऐसा घोषणा कौन सा राज्य ने किया है तो उनचास का करेक्ट आंसर डी अरुणाचल प्रदेश ने ठीक है फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है अगला सवाल है हाल में नासा द्वारा जारी दस नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है तो पचास का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिल मेनन को शामिल किया गया है इक्यावन नंबर सवाल को देखिए निम्न अभिक्रियाओं में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है इकावन का करेक्ट आंसर अभी देखिए फ्रेंड यहाँ से आपका साइंस के मिलेंगे इक्यावन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्टर प्लस एफी AP प्लस एफीएसओ फोर प्लस यू इसमें आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ होती है देखिए चावल है जो फ्रेंड्स आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है तो इसके लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स तो आपका बावन का करेक्ट आंसर ए होगा सौ सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और पच्चीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चाहिए चावल की खेती के लिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरपन नंबर है फ्रेंड्स आप प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है तिरपन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय के आद्र वनों में प्राणी पादप में फ्रेंड्स है जो भी जंतु जीव होते हैं वहाँ पर विविधता अधिक देखने को मिलता है तो उष्ण कटिबंध के आद्र वनों में चौवन नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है सभी को पता होगा फ्रेंड्स भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका किया जाता है तो चौवन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेनफाइट का प्रयोग किया जाता है स्पंज क्या होता है फ्रेंड्स तो पचपन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक तरह का जीव होता है ठीक है स्पंज एक क्या है जीव है इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं ठीक है तो स्पंज एक प्रकार का क्या होता है जीव होता है अगला देखिए फ्रेंड्स कि एक बिककर चार डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या किया जाए तो छप्पन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स ए और बी दोनों सही है चार डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए चार डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए दोनों स्थिति में बिक्कर से क्या होगा फ्रेंड्स जल बहने लगेगा छप्पन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया सन्तावन नंबर सवाल को देखिए कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है तो सभी को पता है फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है किसके कारण बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है सी टू के कारण बढ़ा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंठावन नंबर सवाल है ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है देखिए ध्वनि को आँख के रूप में कौन प्रयोग करता है फ्रेंड्स तो मेरे ख्याल से आप लोग को इसका जवाब आप लोग समझ गए होंगे चमगादड़ है ठीक है चमगादड़ है फ्रेंड्स वाइब्रेशन से ही समझ जाता है ध्वनि के तो अंठावन का कह धवनी को आंख के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी चमगादड़ है यह एक स्तनधारी है याद स्तन स्तनधारी के अंतर्गत आता है देखिए चमगादड़ है जो फ्रेंस प्रास्रवित तरंगे उत्सर्जित करता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है याद रखेगा अगर पूछे कि चमगादड़ कौन तो सा तरंग उत्सर्जित करता है, है। तो ये प्रास्रवित तरंगे उत्सर्जित करता है ठीक है फ्रेंड्स प्रास्रव्य तरंगे किसे कहते हैं तो बीस हजार हट से कितना फ्रेंड्स इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार ठीक है यानी बीस हजार हट से ऊपर वाले तरंगों को क्या कहते हैं प्रासर्वित तरंग कहते हैं ये भी आप लोग याद रखेगा चमगादड़ है जो ही प्रासर्वित तरंग को सर्जित करता है तो देखिए क्वेश्चन किसे पूछा है धवनी को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी यही आपका चमगादड़ है उनसठ नंबर सवाल देखिए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि उनसठ का देखिए बिहार सचिवालय में जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएगा जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा टेंथ आपका दसवीं कक्षा के समकक्ष रहेगा सिलेबस में भी दिया हुआ ठीक है फ्रेंड्स उनसठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसके क्रिया परिघटना के चलते ही ऊपर चढ़ता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा साठ नंबर सवाल को देखिए रायबोसोम की संरचना में होती है रायबोसोम आप लोग नाम सुनोगे फ्रेंड्स ठीक है तो साठ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं ठीक है राइबोसोम्स की संरचना में आपका आ, कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स तो आर और तथा प्रोटीन्स होते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है ठीक है राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है राइबोसोम को याद रखिएगा अगला सवाल है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखिएगा इसकी संरचना में आर तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं ये साठ नंबर सवाल को देख साठ का हो गया फ्रेंड्स अब इकसठ नंबर सवाल को देखिए इकसठ नंबर सवाल है यक्षमा के रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है यक्षमा मतलब आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स टिबोक्लासिस वाला बात है यहाँ इकसठ का इकसठ का करेक्ट का आंसर उसको क्या होगा फ्रेंड्स आपका राय रिफेमफिन सॉरी रिफेमसिन ये आपका दवाई का नाम है औषधि मीन्स क्या दवाई होता है ना तो यक्षमा के रोगियों के निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है तो री होती है ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें बहुत सारे दवाई चलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपका यही होगा फ्रेंड्स ठीक है रिफाइम पिपसिन दवाई इसके लिए काफी उपयुक्त माना जाता है यक्षमा के लिए अगला सवाल को देखिए बासठ नंबर सवाल वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है प्रकाश का विसरण का कारण किस कारण से होता है फ्रेंड्स तो बासठ का ये धूलकन के कारण होता है तिरसठ नंबर सवाल को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तिरसठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में धवनी का वेग कम हो जाता है नहीं आद्रता के बढ़ने पर वायु में धवनी का वेग बढ़ जाता है न कि कम हो जाता है ठीक है जितना आर्द्र रहेगा उतना अधिक होगा तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के धवनी का वेग कम हो जाता है या कथन गलत है क्योंकि फ्रेंड्स आद्र वायु में धमनी का वेग बढ़ जाता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौंसठ नंबर सवाल किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई चलिए सभी को पता होगा फ्रेंड्स चौंसठ का करेक्ट आंसर तुलसी को कहा जाता है साकीय भारतीय डॉक्टर ये तुलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधीय चीज है फ्रेंड्स इसका सेवन हम लोग भी करते हैं बहुत चीजों में काम आता है ठीक है तुलसी इसलिए इसे साकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है पैंसठ नंबर सवाल को देखिए जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है पैंसठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति से पैंसठ का करेक्ट आंसर बी हो गया छियासठ नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि एक पिंड पर दो बल नीचे के क्षेत्र के अनुसार लगाए गए हैं किस पिंड पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा ठीक है तो तह छियासठ का देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसी भी दिशा में नहीं करेगा ठीक है फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में पिंड किसी भी दिशा में गमन नहीं करेगा यह बल के संतुलन में होने के कारण होता है एक पिंड पर दो दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं पिंड किस दिशा में करेगा ठीक कि कि है तो में क्या किसी भी दिशा में यह आपका गति नहीं करेगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है क्वन होता है क्वन क्या होता है फ्रेंड्स सड़सठ का तो एक निश्चित काम तापक्रम पे होता है ठीक है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वनांक आप लोग नाम सुने होंगे तो निश्चित पॉइंट पे किसी भी लिक्विड पदार्थ का क्वनाक होता है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक निश्चित तापक्रम पर क्वन होता है सड़सठ का ए हो जाएगा अड़सठ नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका ये दिया हुआ है सोडियम का इतना दिया हुआ है फ्रेंड्स ठीक है एक बिट्टा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा तो अड़सठ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा मैग्नेशियम हो जाएगा अड़सठ का ये हो गया फ्रेंड्स उनहत्तर नंबर सवाल को देखिए एक ही पदार्थ एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है वो क्या कहलाता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए का उसे असंजक बल कहा जाता है एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आकर्षण होता आकर्षण बल होता है उसे असंजक बल कहा जाता है उनत्तर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है उसे असंजक बल कहलाता है फ्रेंड्स जिन द्रवों के बीच असंजक बल का मान ज़्यादा होता है वह वस्तु के दीवार को गीला कर देता है ठीक है असंजक बल के कारण है फ्रेंड्स कोई भी वस्तु है जो गीला होता है कपड़ा गीला होता है ठीक है बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो ये सब इस इसी के कारण होता है स्याही द्वारा कागज़ पर लिखना ये सब चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना ये सभी जो है फ्रेंड्स देखिए जितना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स उससे ज़्यादा मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ अगर वो आपसे पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि स्याही द्वारा कागज़ पर लिखता है उसमें कौन सा बल काम करता था संजक बल काम करता है चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उससे कौन सा बलकार करता है संजक बलकार करता है कागज को छिपा करना ये सभी यह जो असंजक बल के उदाहरण होता है सत्तर नंबर सवाल को देखिए कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी तो सत्तर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल प्रकाश के लिए है जो फ्रेंड्स उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है इकहत्तर नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स की कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा कृत्रिम में ठीक है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल में नेचुरल में नहीं इकहत्तर का करेक्ट आंसर ऑप्शन अनंत होता है कृत्रिम उग्रह में सरल लोलक का वर्तकाल कितना होता है तो इसका कोई इंडिफिनिट होता है ठीक है कोई भी निश्चित नहीं यानी अनंत होता है बहत्तर नंबर सवाल को देखें नीचे दे, नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्ह चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें तो सवाल नंबर बहत्तर के इसका कैरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वोल्ट मीटर हो जाएगा ठीक है इसको क्या कहेंगे वोल्ट मीटर कहेंगे ठीक है वोल्ट मीटर प्रश्न के चित्र में आधार पर जो वोल्ट मीटर दिया हुआ फ्रेंड्स ठीक है इसका क्या लिख कहेंगे वोल्ट मीटर आमीटर हाँ, हाँ. दोनों होगा इसमें फ्रेंड्स ठीक है नीचे देखिए यहां पर दो दो दिया नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत पथ में चिन्हांकित तो उपकरणों का नाम लिखे तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वोल्ट मीटर आ मीटर दोनों हो जाएगा यानी कि एक और दो दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है वोल्ट मीटर और आ मीटर दोनों होगा चलिए अगला है तिहत्तर नंबर सवाल एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है चलिए विद्युत ऊर्जा क्या करें जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश तो बल्ब जो जलाते हैं हम लोग फ्रेंड्स तो आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा तिहत्तर का बी हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब जलाना ना जैसे बल्ब जलाते हैं तो क्या विद्युत से जलता है तो किसमें करता है आपका प्रकाश हो जाए परिवर्तन करता है और इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो बल्ब का फंक्शन क्या है तो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है वही क्वेश्चन यहाँ पर लड़क करके पूछा है ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में स्थान होता है बल्ब का फंक्शन ही है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है और थोड़ा बहुत हीट ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि जब प्रकाश उत्सर्जित तो होता है ही हीट भी वहाँ पर निकलता है चौहत्तर नंबर यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा चौहत्तर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बढ़ जाएगा ठीक है किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ाइएगा तो उसके दोलन पर क्या प्रभाव वो आपका बढ़ गया चौहत्तर का करेक्ट आंसर डी आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स दो सौ बीस वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में जीरो दशमलव दो एम्पियर धारा दस मिनट तक बहती है इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी पचहत्तर नंबर सवाल का तो पचहत्तर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कितना छब्बीस इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हजार कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार छब्बीस हज़ार सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार छब्बीस हज़ार चार सौ जूल ठीक है फ्रेंड्स पचहत्तर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा पचहत्तर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स तो देखिए ये आपका बिहार सचिवालय आपका रुक्मणि प्रकाशन का जो आया हुआ फ्रेंड्स नया प्रैक्टिस सेट उसमें से पचहत्तर प्रश्न हम लोग देखें जिसमें आपका लगभग पचास प्रश्न था जो जीके जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन से था पच्चीस प्रश्न था जो फ्रेंड्स दसवीं कक्षा अच्छा के समका साइंस से था इसी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो आप लोग अभी से तैयारी में प्रैक्टिस सेट करते रहें क्योंकि एक दिन में तैयारी नहीं होती है और जीके जी कॉमन होता है तो जो भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी में जीके जी पूछा जाता है तो हर एक वीडियो आप लोग देखते रहे और फ्रेंड्स आप लोग याद कर करके एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा मास्टर आप इससे बहुत आपको हेल्प होगा प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना क्या लिखना है तो देखिए यही लिखिएगा मास्टर माइंड ऑफ जी लिखिएगा तो इस तरह से आपका लोगो आ जाएगा ठीक है देखिए मात्र आपका फोर पॉइंट वन एम यानी बहुत ही कम एम का है ये एप्लीकेशन है लेकिन इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स तो याद रखिएगा ठीक है तो आप लोग इसे इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ये आपका बिहार सचिवालय सहायक के लिए फ्रेंड्स आपका पहला प्रैक्टिस सेट था इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा और बिहार पुलिस के जो नई वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स अगले माह में उसकी तैयारी भी अभी से मैं आप लोग को कराता रहूँगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद